आपने 17 साल के ऊपर नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार में इन दिनों लैंड सर्वे का काम जारी है और हर जगह बस लैंड सर्वे की ही चर्चा हो रही है। हर कोई परेशान है, अपनी समस्या का समाधान खोज रहा है। तो इस स्पेशल बुलेटिन में हम लैंड सर्वे के हर पहलू पर बात करेंगे। लैंड सर्वे क्या है, लैंड सर्वे क्यों कराया जा रहा है, लैंड सर्वे के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए, लोग लैंड सर्वे का विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस स्पेशल बुलेटिन में देने की कोशिश करेंगे। आपने 17 साल के ऊपर सरकार लैंड सर्वे के जरिए जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराना चाहती है, लैंड रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना चाहती है, पर लोग कागज और कार्यालय के चक्कर में पड़कर कर परेशान हो रहे हैं। देखिए, लैंड सर्वे क्या है और इसे क्यों कराया जा रहा है और कौन से दस्तावेज भूमि सर्वेक्षण के लिए जरूरी है, यह हमने आपको बताया। अब जनता की बात करते हैं, लोग लैंड सर्वे को लेकर के आखिर परेशान क्यों हैं? परेशानियां कई तरह की हैं। देखिए, सबसे पहले परेशानी यह है कि जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, यानी कि जमीन से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्राप्त करने में कठिनाइयां लोगों को हो रही है। पुराना खतियान प्राप्त करने में लोगों को खासतौर पर कठिनाई हो रही है। कागजात मौजूद नहीं होने से लोग परेशान हैं। बताते चले आपको कि बकास गैर मजरुआ भूमि का क्या होगा, ये सवाल उठता है। सबसे ज्यादा परेशानी जो है वंशावली बनाने में हो रही है लोगों को। सरपंच से वंशावली बनाने के चक्कर में आम लोग परेशान हैं। लोकल स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही है और देखिए कार्यालय में भीड़ और कुव्यवस्था से कई लोग जो हैं वो परेशान हैं और कई लोगों को पूरी जानकारी भी लैंड सर्वे को लेकर कर नहीं है। तो देखिए, पूरे बिहार में एक साथ जमीन का सर्वे हो रहा है और इस सर्वे से भू विवाद कम होने की संभावना है, यानी कि जमीन को लेकर कर अक्सर आप देखते होंगे, सुनते भी होंगे कि लड़ाइयां हो जाती है, अक्सर भाई भाई में भी, लोगों में भी जमीन को लेकर लड़ाई हो जाती है। तो ये जब रिकॉर्ड सरकार के पास चली जाएगी, रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया जाएगा, तो इसे जमीन को लेकर के जो विवाद होता था अक्सर वो कम हो जाएगा। तो लेकिन देखिए, सर्वे के पहले जिस तरह से रैयतों और किसानों की परेशानी बढ़ी है, ये काफी ज्यादा गंभीर मामला है। पूर्णिया में किसानों ने लैंड सर्वे पर क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अधिकारी माइक के जरिए भीड़ को सर्वे की जानकारी दे रहे हैं और लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जमीन का सर्वे कैसे हो, क्योंकि बिहार में भूमि सर्वेक्षण कराया जा रहा है और लोग मारे मारे फिर रहे हैं। कल तक जो जमीन अपनी थी, आज उसे अपना साबित करने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ रही है। पूर्णिया के किसान नेता अनिरुद्ध मेहता, धीरेंद्र यादव अभिलेखागार से कागज निकालने आए हैं। उनका कहना है कि अभिलेखागार से कागज निकालने में काफी परेशानी हो रही है। एक बार में एक ही खाता का खतियान या तेरिज दिया जा रहा है, अधिकांश खतियान गायब है। देखिए, बगल में ये एक और रूम है, यहाँ लोग आते हैं खतियान निकालने के लिए। इतना ना परेशानी है, कभी कहता है खतियान का पन्ने उड़ गया है, नहीं है, ये है वो है, अगर मिलता भी है तो मोटा पैसा लिया जाता है और बहुत टाइम लगाया जाता है। यहाँ के पदाधिकारी आम लोगों से मिलते नहीं है, ये भीतर में बैठे रहते हैं, गेट बंद रहता है, ये है। उसके बाद परिमार्जन के लिए अब किसी का नाम है, जैसे कि रमेश मेहता, तो रमेश टुड्डू उसको लिख दिया है, और उसको सुधारने के लिए अब ऑनलाइन करो, ये करो, वो करो, वहां भी सुधारने के लिए हजारों लाखों रुपया वसूल किया जाता है।
एक खाता का एक बार चिरकुट कहते हैं, आप दीजिए तब एक खाता लीजिए। किसी किसी व्यक्ति के पास चार खाता है, पांच खाता है, छह खाता है, अब पांच दिन छह दिन उसको लाइन में आके लगना पड़ता है, इसके बावजूद भी कहता है इसका रिकॉर्ड जो है फटा हुआ है, ये पन्ना फटा हुआ है, ये नहीं मिल पाएगा। अब नहीं मिल पाएगा तो वो तो परेशानी है। आप तो यहाँ है कि केवाला के आधार पर आप सर्वे करते हैं, अब तो केवाला कैसे हुआ? बहुत ऐसा केवाला है कि फॉरवर्डिंग किया गया है, उसके खतियान से ही उसका परिमार्जन किया जाएगा कि इसका सही केवाला हुआ या नहीं हुआ है। भू विवाद समाप्त करने चले हैं यहाँ, तो भू विवाद आपको लगता नहीं समाप्त होगा, भू विवाद बढ़ने जा रहा है। लोगों को एक खतिया अपडेट कराने के लिए महीनों भाग दौड़ करनी पड़ती है, कभी कोई कागज मांगा जाता है तो कभी कोई प्रमाण, सरकारी कार्यालय के चक्कर काट काट कर लोग परेशान हो रहे हैं। किसी आदमी का एक ही फ्रंट में जो दो खाता है, ठीक है, एक ही फैमिली का है, तो कहने के मतलब जो है हमको एक खाता अगर लिए, मान लीजिए दो से तीन लिए, तीन के बाद दो से चार है, तो वो एक ही हो आदमी का हो गया, तो कहेगा नहीं ये इसका भी अलग से भर के दीजिए, अगर सिंगल ऊपर वाला का देंगे नीचे वाला काट देता है। महीनों चक्कर काटने के बाद जब सरकारी दफ्तर में काम करवाने की बारी आती है तो अधिकारी 2000 रुपए तक घूस मांगते हैं। लोगों का आरोप है कि पैसे नहीं देने पर काम अटका दिया जाता है। समस्या है कि 24/10/2020 में डिस्पोजल हो गया, और उसका रिकॉर्ड जो है अभी तक डीएम साहब के चौकट पर है, दौड़ दौड़ के आते हैं, आज देंगे नकल, कल देंगे नकल, नकल देता नहीं, ये रिकॉर्ड रूम में, और जो है पैसा की उगाही होता है। अब इस नकल के लिए हमें कम से कम 2000 रुपया मांग हो रहा है, क्या करे किसान? इनके द्वारा मांग हो रहा है, मांग हो रहा है, यहाँ के जो पदाधिकारी लोग हैं जो अंदर में काम करते रिकॉर्ड रूम में। न्यूज 18 से बातचीत में किसानों ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्टर 2 में काफी गड़बड़ी है, दोनों का मिलान कर सर्वे करना चाहिए। एक ऐसी जमीन है जिस पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, सर्वे में वैसे जमीन को छुड़वाने का भी कानून बनना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। यहाँ कई किसान हैं और किसान नेता भी हैं, इन लोगों का कहना है कि सर्वे तो हो रहा है, वो अच्छी बात है, सर्वे से भूमि विवाद समाप्त होगा, लेकिन सर्वे के पहले जो जिस तरह से किसानों को या रैयतों को जमीन के कागजात निकालने में परेशानी हो रही है, और यहाँ भ्रष्टाचार भी काफ़ी बढ़ गया है, एक कागज निकालने के लिए लोगों को कई बार दौड़ाना पड़ता है और पैसे की उगाही हो रही है, ऐसे में स्वच्छ और निष्पक्ष कैसे सर्वे होगा ये देखना जरूरी है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18। सरकार लैंड सर्वे के जरिए जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराना चाहती है, लैंड रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना चाहती है, पर लोग कागज और कार्यालय के चक्कर में पड़कर के परेशान हो रहे हैं। भूमि सर्वेक्षण, लैंड सर्वे, ये शब्द आजकल बिहार के हर चौक चौराहे और बैठकी में चर्चा का विषय है, क्योंकि बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है। भूमि सर्वेक्षण में पुराने खतियान को अपडेट किया जा रहा है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खतियान आखिर होता क्या है। खतियान जमीन से जुड़ा एक दस्तावेज है। खतियान में जमीन से जुड़ी सभी जानकारियां होती हैं, जैसे कि जमीन मालिक का नाम, जमीन मालिक के पिता का नाम, जमीन का रकबा, प्लॉट नंबर, मौजा का नाम, चौहद्दी और जिला भी इसमें दर्ज होता है। खतियान में पूरा पता दर्ज होता है, प्लॉट के क्षेत्रफल की जानकारी भी होती है। जमीन सर्वेक्षण क्या है ये जानने के बाद दूसरा सवाल आता है कि लैंड सर्वे कराया क्यों जा रहा है, इसका मकसद क्या है। दरअसल सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराना, लैंड रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना, अधूरा भूमि अभिलेख अपडेट कराना, भूमि विवाद मालिकाना हक का समाधान, सटीक भूमि अभिलेखों से राजस्व संग्रह में सुधार, साथ ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी करना भी सर्वे का मकसद है। लैंड सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा, इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। जो अधिकारी, जो कर्मचारी भ्रष्टाचार में या किसी भी तरीके से लिप्त पाए जाएंगे उनकी खैर नहीं है, और अब सुधार शुरू हो गया है।
निचले स्तर पर कुछ दलाल लोग, जमीन माफिया लोग कोशिश करते थे, अब उनको भी पता लग गया है कि धीरे धीरे अब उनका भी खैर नहीं। लैंड सर्वे क्या है और इसे क्यों कराया जा रहा है, ये साफ होने के बाद तीसरा सवाल उठता है कि जिन लोगों को लैंड सर्वे कराना है उन्हें क्या करना होगा, कहां जाना होगा और कौन से दस्तावेज देने होंगे, ये भी जान लीजिए। स्व घोषणा का प्रपत्र रैयत या वंशज जमा करें, जमाबंदी रैयत जीवित हो तो स्व घोषणा पत्र जमा करें, जमीन का रिकॉर्ड और परिमाप भरकर जमा करें, खुद वंशावली तैयार कर अंचल शिविर में जमा करें, राजस्व रसीद की कॉपी भी जमा करें, क्रय और बदलैन की भूमि का दस्तावेज, न्यायालय का आदेश हो तो उसकी फोटोकॉपी। वंशावली पर पंचायत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर जरूरी नहीं है, खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की जरूरत भी नहीं है, राजस्व रसीद की अपडेट प्रति आवश्यक नहीं है, जबकि खामियों के सुधार के लिए 3 मौके मिलेंगे। सरकार की कोशिश है कि लैंड सर्वे को सरल और पारदर्शी बनाया जाए, पर लैंड सर्वे के लिए कागजात जुटाने में आम लोगों के पसीने छूट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छपरा में भी लैंड सर्वे के लिए लोग सुबह होते ही कार्यालय पहुंच जा रहे हैं, जबकि कार्यालय 11 बजे खुलता है, तो घर का सारा काम छोड़कर के लोग लैंड सर्वे कराने के लिए पहुंच रहे हैं, पर व्यवस्थाओं की कमी के कारण वहां भी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। दफ्तर पर ताला लटका हुआ है और लोग बाहर बैठकर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दफ्तर खुलने का समय 11 बजे है। लोग सुबह 6 बजे से ही कार्यालय के पास आकर खड़े हो जाते हैं ताकि उनकी बारी पहले आए और वो जल्दी से अपना काम करवाकर वापस जा सके। इतने पहले से आने के बाद भी इनका काम वक्त पर नहीं हो पा रहा है। सरकार ने खतियान को डिजिटल कर दिया है, पर रिकॉर्ड रूम में लोगों की भीड़ कम नहीं हुई है, जिसका फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं। खतियान फट गया, छपरा आते हैं तो छपरा के खतियान फट गया, अब बताइए हम लोग क्या करें, इसका क्या उपाय होता है। हाँ, उसके बाद कोई भी आदमी जो है, कोई भी स्टाफ जो है, सही ढंग से बात नहीं करता है। यहाँ पर यही है कि भीड़ भाड़ में हम लोग कल भी आए थे और मेरा काम नहीं हुआ, वापस चल गए, फिर हम लोग आके आज भी लाइन लगे हुए हैं, ताकि हम लोग का माने कि जो भी समस्या है वो अपना सर के लगे रख लेंगे। लोगों का आरोप है कि रिकॉर्ड रूम में व्यवस्थाओं की कमी है, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। सुबह से लाइन में खड़े रहने के बाद भी उनका काम वक्त पर पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर 10 बजे के बाद आते हैं तो उनका नंबर तब तक नहीं आता और वापस लौटना पड़ता है। दस्तावेज का परेशानी थी, इसलिए मैं छपरा आया। क्या परेशानी? जैसे कि पूर्वज लोग के नाम से जमीन है और रसीद भी नहीं कट पा रहा है और टापू घोषित है, इसलिए यहाँ आना पड़ा खतियान निकालने के लिए। लैंड सर्वे कराने आए लोगों का कहना है कि लैंड सर्वे के कारण उनकी परेशानियां बढ़ गई है। सरकार ने भले ही बेहतर व्यवस्था के लिए सर्वे शुरू कराया है, पर कागजात जुटाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर सब बोलते हैं कि जाइए लाइन में लगिए। कितनी भीड़ हो जाती है? अभी तो सुबह का समय है। अरे 400-500 आदमी आते हैं। या सुबह में 6 बजे से सर्वे का हो, खतियान वगैरह सब निकलना है, रसीद वगैरह, यही सब प्रॉब्लम है। दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो है ही है, परेशानी तो है ही है। और क्या, सब लोग अपना अपना था, लेकिन परेशानी अब हो रहा है। पहले तो जो था सही था, जैसे चल रहा था सही चल रहा था, जो अब हो रहा है उसमें परेशानी हो रही है। कार्यालय में कोई व्यवस्था नहीं है, अगर व्यवस्थित रहता यहाँ पे तो लोग आराम से आकर के अपने कागजात को निकालते और सर्वे में शामिल होते, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। और यही कारण है कि लोग सुबह 6 बजे से यहाँ लाइन में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही कार्यालय खुलता है ये हालात देखने वाली होती है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18, छपरा। रोहतास में लैंड सर्वे को लेकर के तरह तरह की बातें सामने आ रही है। जमीन का खतियान और जमाबंदी रसीद को लेकर के मारामारी है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग सरकारी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कार्यालय में पांव रखने तक की जगह नहीं है।
कोई लाइन में खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा है तो कोई धक्का मुक्की कर कैसे भी पहले अपना काम करवाने के फिराक में है। सभी के हाथों में एक कागज भी है ये साबित करने के लिए कि जमीन के जिस टुकड़े पर उनका दावा है वो उन्हीं की है। तस्वीर रोहतास के नकल नवीसी कार्यालय की है जहां लोग लैंड सर्वे करवाने के लिए पहुंचे हैं। बिना खाए पिए लोग सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से अभी तक परेशानी हो रही है, नंबर भी नहीं आ रहा है। किस चीज के लिए लाइन में लगे? खाता निकालने के लिए। खतियान निकालने के लिए बहुत दूर से आदमी आकर बहुत परेशान है। लोगों का कहना है कि कई लोगों का मौखिक बंटवारा है तो कई लोगों का खतियान परिवार के किसी एक सदस्य के पास है। कुछ लोगों का पारिवारिक बंटवारा लगभग 50 या 60 साल पहले हो चुका है और परिवार के किसी एक सदस्य के पास कागज है। लोगों का आरोप है कि लैंड सर्वे के कारण लोगों के घर में भी कलह कलेश शुरू हो गए हैं। लोग परिवार का बंटवारा हो चुका है, मौखिक रूप से लोगों ने बंटवारा कर दिया है, खानगी बंटवारा हो चुका है। अब सरकार कहती है कि मौखिक बंटवारे को खानगी बंटवारे को मैं नहीं मानूंगा, तो ये संभव है क्या? जिसके पोता पोती हो चुके हैं, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, अब वो कह रहे हैं कि हिस्सेदारी की मांग करेंगे, उसके औलाद उसके पोता पोती मांग करेंगे, तो क्या तस्वीर पेश होगी? ये पारिवारिक विवाद होगा, पारिवारिक तनाव पैदा कर रहा है। और देखा जा रहा है गांव में आज के दिन में एक दो परिवार जो सुखमय जिंदगी जी रहा था, शांतिपूर्वक जीवन जी रहा था, जिसके संबंध बहुत अच्छे थे, आज वो बिल्कुल दूरी पड़ी हुई है, उसके अंदर तनाव पैदा हो गया है। लैंड सर्वे में कई तरह की गड़बड़ी का भी आरोप लगाया जा रहा है। लोगों में जागरूकता की कमी है, इसकी एक वजह है। लोगों की मांग है कि जिले में मे आई हेल्प यू डेस्क बनाने चाहिए ताकि अगर किसी को कोई परेशानी आ रही है तो वो सही जानकारी सही जगह से हासिल कर सके। जो अमले हैं, सरकारी जो विभाग है, उस विभाग के लोगों में को कहिए कि वो निरंकुश हो चुके हैं। और आपका अंचल कार्यालय में कहीं कोई पूछने जाता है, कहीं कोई बताने वाला नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और सर्वे की पृष्ठभूमि, चाहे वो चकबंदी सर्वे हो या जनरल सर्वे हो, आप इसकी पृष्ठभूमि में जाइएगा तो मुझे उम्मीद है कि उस पृष्ठभूमि में उस इतिहास को देखते हुए मुकदमों के अंबार हो जाएंगे, न्यायालयों में भीड़ हो जाएगी, क्योंकि आज तक सरकार के द्वारा जितने भी कार्यक्रम चलाए गए हैं किसानों और जनरल लोगों के लिए, वो लोगों ने गड़बड़ कर दिया है अपने आप में। जैसे आप देखेंगे पिछले दिनों कि सारी चीजों को, सारे खाता प्लॉट खतियान वगैरह को ऑनलाइन किया जा रहा था। लैंड सर्वे लोगों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। लोग अधिकारियों का विरोध कर रहे हैं तो अधिकारी भी इस मारामारी से परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर कई विवाद है, खासकर जो डॉक्यूमेंट है वो अधिकतर लोगों का वो कंप्लीट नहीं है, जिसके कारण विभिन्न कार्यालयों में और अधिकारियों के यहाँ, कर्मचारी के यहाँ भीड़ लग रही है। अजित कुमार, न्यूज 18, सासाराम। बिहार में लैंड सर्वे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अधिकारी घर घर जाकर लैंड सर्वे करा रहे हैं, पर लोगों का आरोप है कि सर्वे सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। अधिकारी लोगों की समस्या सुन करके परेशान है और लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर परेशान है। ग्रामीणों को क्या क्या परेशानी हो रही है और लैंड सर्वे में क्या दिक्कत आ रही है, ये जानने के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने कुछ ग्रामीणों से बात की है, आइए सुनवाते हैं। बिहार में जमीन सर्वे का काम हो रहा है और कई जगहों पे इस जमीन सर्वे का जो है विरोध भी हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है, लोगों को क्या समस्या आ रही है, हम सीधे लोगों से बात करने आए हैं, बात करते हैं लोगों से। सबसे पहला बात तो है कि यहाँ जो बंदोबस्त पदाधिकारी है, अनाउंस किए थे, मीटिंग किए थे, मीटिंग में अनाउंस किए कि फलना फलना फार्म हम आपको मंगलवार को दे देंगे, लेकिन फॉर्म दिए नहीं, और बल्कि वहां गए तो बरावेस में बात किए कि सब हमारे पास क्यों आ जाते हैं, अब फार्म दुकान में मिलता है जाके लीजिए, इस तरह का बात हुआ। तो खैर जो हो, तो हम लोग किसी तरह से फॉर्म का जहां तहां से खरीद करके लाना पड़ा,
फार्म खरीदना पड़ा। हाँ खरीदना पड़ा फार्म। अभी जिससे मान लें खतियान पूछ रहे हैं तो किन्हीं को दादा से के परदादा को नाम नहीं बता रहे हैं और वो खतियान कैसे मिलेगा। अब खतियान ये सरकार हर समय गलती करती है, ऐसा मतलब स्कीम करते हैं कि सब तरीके से पब्लिक और किसान मर रहे हैं। अगर 200 के खर्च पर तो 2000 रुपया मांग रहे हैं। अब बताइए कि जिसके अवैध वसूली भी की जा रही है, अवैध वसूली भी की जा रही है। हाँ इस पर हम चाहेंगे कि ये बिहार सरकार के मतलब पदाधिकारी है या हमारे बिहार का सीएम है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पर मैंने काम को किया जाए। ऐसा ही कुछ ऐलान कर देने से कि ये हम कर दिए और उसके पीछे क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में उनकी गहराई तक जाना होगा। रामली जी किस तरह की समस्या आपको हो रही है? वही जो आप अभी बोले हैं वही चीज तो है यहाँ का, बोले कि सर्वे हो रहा है लेकिन का बोले कि सही नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। और हम लोग को बहुत समस्या दिक्कत, जैसे का बोले कि कागज नहीं है, कुछ कागज दादा जी। समस्या ये है कि जो हम लोग के जो भी आए हुए हैं ब्लॉक में आदमी, वो बोले कि आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है जमीन विषय में वो आप वहाँ जमा कीजिए, बोले कि ऑनलाइन कराने के लिए ऑनलाइन रसीद कटा के आप हमको जमा कीजिए। तो सर रसीद कटाने जाते हैं तो वहाँ कर्मचारी लोग काटवे नहीं करता है, बोला कि आप सीओ के यहाँ जाइए, सीओ पेपर घुमा के फेंक देता है। जो जमीन से संबंधित कार्यालय है वहाँ जब ये लोग जाते हैं चक्कर लगाने तो वहाँ पे दौड़ाया जाता है और इस कारण से लोगों में आक्रोश है। जमीन सर्वे करने वाले जब अधिकारी आते हैं तो ये आक्रोश उन पर फूट पड़ता है इन लोगों का। पर देखना होगा कि सरकार जमीन सर्वे को व्यवस्थित करने के लिए आगे और क्या कदम उठाती है, जो पीड़ित परेशानी लोगों ने बताया है उसे कब तक दूर करती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित पान, न्यूज 18 पटना। और यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18।